नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में करते हैं सुबह की शुरुआत इन बीसीएन की खबरों के साथ। जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। जम्मू कश्मीर में आई अचानक बाढ़ में फंसे 30 लोगों को सेना ने रेस्क्यू कर बचाई उनकी जान। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से की बात, कांगो हमले की जांच कराए जाने का किया आग्रह। ईडी ने अर्पिता के चौथे फ्लैट पर भी मारा छापा, अब तक 50 करोड़ नकद हुए जब्त। मुख्यमंत्री शिंदे का दावा, मंत्रिमंडल को लेकर भाजपा के साथ फॉर्मूला हुआ तय, जल्द ही होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। 31 सीटें एससी, 12 सीटें एसटी और ओबीसी के लिए हुई 48 सीटें आरक्षित। बाबा ताजुद्दीन के नाम पर बनेगा 500 बेड का अस्पताल, केंद्रीय मंत्री गडकरी का कहना, ताजुद्दीन बाबा उर्स के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, आज विद्युत क्षेत्र की पुनर्निर्मित वितरण योजना का करेंगे शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश में मानसून से जुड़े हादसों में अब तक 133 लोगों की मौत, तो वहीं 206 हुए घायल। राजस्थान के श्री गंगानगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो बदमाश पकड़े गए, व्यापारी से मांग रहे थे फिरौती। और शराब नीति पर चल रहा है संग्राम, लगभग बंद हो सकता है कई और दुकानें, केजरीवाल सरकार पर भारी पड़ा डिस्काउंट का फॉर्मूला।